तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और बहुत दिन से मुझे जो मी टाइम है ना, ये नहीं मिल पा रहा था. मी टाइम मतलब घर पे कोई ना हो, मैं चैन से सोच सकूं, आप लोगों से बातें कर सकूं, नहीं मिल पा रहा था. इसी वजह से व्लॉग लेट हुआ. ये व्लॉग है 27 सितंबर का. इस बार जो यूट्यूब का पॉपअप इवेंट था वो 3 दिन का था, 26, 27 और 28, यानी 26, 27 एंड 28, जिसमें से 26 को मैं नहीं जा सकती थी, कुछ घर में काम था. 27 को आई मैनेज समहाउ, बल्कि श्राद्ध था, सबने बहुत कॉपरेट किया. और मतलब सुबह सुबह मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर दिया था. उसके बाद मैं गई दिल्ली. दिल्ली में एरो सिटी है और एरो सिटी में एक होटल है एलॉफ्ट. इस बार एलॉफ्ट में इवेंट होस्ट किया था. हमेशा बहुत ही अच्छी जगह करते हैं. लास्ट टाइम उन्होंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स में किया था. तो आप जब दूर दूर से ट्रैवल करके भी लोग आते हैं ना, दे रियली इन्जॉय. और इन इवेंट्स की सबसे खास बात ये होती है कि यू फील रिस्पॉन्सिबल. मतलब आप अपने वीडियो में ना कुछ भी नहीं दिखा सकते, यू फील रिस्पॉन्सिबल. आपको लोग भी मिलते हैं और ऐसे जैसे आप किसी की कॉपी कर लो तो आपके सामने वो भी खड़े होते हैं कि यार इसने मेरी कॉपी की थी. मतलब अब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि हाँ ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं और बहुत अच्छा नेटवर्क बनता है एक तरह से. बहुत सारे कोलैबोरेशंस आप कर सकते हैं यहाँ जाके. तो ये एक ना एक कम्युनिटी वाली फीलिंग भी आती है. अगर सपोज आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है ना, देन यू नीड अ कम्युनिटी. अदरवाइज सब चलता रहता है, सब कुछ जब ओके रहता है तो चलते रहता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो 7:30 पे मैंने छोड़ा घर और उसके बाद में मेरे को पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे एरो सिटी. और 10 बजे मैंने देखा कि वहाँ पे इवेंट जो था वो आधे घंटे डिले हो गया था. ब्रेकफास्ट में मैंने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया, मैं अंदर हॉल में गई. वहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा एंड रितु राठी ऑलरेडी बैठे हुए थे. उनकी मैं एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाती हूँ. And that was my vlog which I made. Then later I saw on YouTube there were people who came there and I saw their vlog. Like मेरे आने से just 15 मिनट पहले it was reasonable police की समय ना पहले thank God it was all went smoothly. But then I realized like there was my first incident when I realized something that really. तो इनके इवेंट के बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर थी वो थी देवजानी. और उन्होंने भी हमें गाइड किया. इस बार जो फोकस था वो वुमेन क्रिएटर्स के ऊपर था, इस वजह से ये बहुत ही अच्छा इवेंट था. और फिर हमारी यहाँ पे वर्कशॉप शुरू हुई जो थी प्रीमियर प्रो. इस बार अडोबी ने स्पॉन्सर किया हुआ था तो प्रीमियर प्रो के Reputed technology company in India for many years and across the world for many years, but I'm not an engineer. I'm an economist. I studied economics and political science. But the one thing I realized in my own personal journey, women take to react to technology like fish takes to water. तो गाइस, इन टॉक्स के बाद में हमारी वर्कशॉप थी. वर्कशॉप शुरू हुई, वर्कशॉप डिले हो गई थी. तो अभी हमारी एडोब प्रीमियर प्रो मोबाइल वाली चल रही थी. प्रीमियर प्रो मोबाइल पे जो ऐप रहती है उसकी वर्कशॉप चल रही थी. बीच में लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक में मैंने वहाँ पे भी लंच हमारा पूरा अरेंज था. बट हमने हमने मेरी और मेरी फ्रेंड ने, मेरी एक फ्रेंड है मानवी, वो वहीं गुड़गांव में रहती है और हम लोग 10-11 साल से फ्रेंड्स हैं. और ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत रेयर मिलते हैं, साल में शायद एक बार या वो भी नहीं. मतलब जब दूर रहते हैं तो वो भी नहीं मिल पाते. और तब भी मतलब एक होता है ना, आपका एक कोई फ्रेंड होता है जिससे आप इतने कंफर्टेबल होते हो, आपको कुछ भी मतलब एक कंफर्ट जोन. मतलब फ्रेंड मीन्स कंफर्ट, जिससे जैसे आपकी बातें कर रही हो वैसे बातें कर सकती हो आराम से. तू कहाँ यार? तड़तड़ाता हुए कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? Expert on Premiere Pro CC, and I will be taking you through not only Premiere Pro but other products also around the. Blue we get separated.
still it will be slightly better, not that much, thoda sa aapka problem usme solve ho jayega, baki aur we will discuss about it. और जब हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन वर्कशॉप अटेंड करनी शुरू करी, उसके बीच में ही ना पता चल गया हमें कि ये बहुत टेक्निकल है, तो हम लोग बाहर आ गए और हम लोगों ने सोचा कि अब एडिटिंग वाली में जाएंगे. और बीच में हम लोगों को मिले एक ब्रदर सिस्टर डुओ, एंड ब्रदर वॉज मैजिशियन. देवर हैंडलिंग 6 चैनल, अब 6 चैनल के नाम मुझे बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन हाँ मैं ब्रदर वाले चैनल को आपको ज़रूर लिंक कर दूंगी. ही इज़ अ मैजिशियन मैन. और सीरियसली अभी तक डायनमो और इन सब के वीडियोज़ हमने देखे थे कि ऐसे 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 होता है, बट उन्होंने हमारे सामने हमारी टेबल पर बैठ के मैजिक किया. वो मैजिक क्लिप्स मैंने शूट करी है, मैं अपने वीडियो में आगे डाल रही हूँ, एंड अमेजिंग. और यार मतलब मैं आपको ना वो फील नहीं बता सकती यार, इतने अच्छे टैलेंटेड लोग और इतने हम्बल, मतलब बहुत ही मज़ा आता है पता है. और शायद मेरे लिए ये इसलिए है यार कि मैं एक छोटे से शेल में रहती हूँ. एक शायद हम सभी रहते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड लोगों से हमारी मुलाकात होती है. हद से हद हम टीवी देख ले, टीवी तो खैर मैं नहीं देखती हूँ, पर फ़ोन पे भी यार कितना देख लोगे नहीं, लेकिन टो गुड. तो ये था मेरा और इधर से हमने स्लाइस में डाल दिया. ओके, अब आप ये बताएं डाइसेस में से बाहर आ सकते हैं? नहीं, सिलाई हटा देंगे आज. ऐसे निकाल के देखें, निकलता है? नहीं नहीं निकलता. आप ट्राई करें, डाइस जो है बाहर नहीं आ सकता. ओके, अब हम करेंगे मैजिक. ऐसा कीजिए, दोनों कीजिए, एक के ऊपर एक रख लें. ओके, रेडी, 1 2 3 नो, सॉलिड, दिस इज आल्सो सॉलिड. नो, ये कैसे हो गया? दिस इज मैजिक. नहीं अभी डिपेंड करते हैं, बट दिस इज इनसेन. मुझे भी ऐसे ही लगा था, आई लाइक ही विल रिमूव इट लाइक दिस, बट दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड. आपकी पपेट्स क्या बोलती होंगी? चल हट परे तू, कितने जा रहा है. अच्छा हरियाणवी, हरियाणवी आप पपेट लाए हो? पपेट भी लाए हो? पपेट्स हमारा शो था, हमारा शो था. एक यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, एक नीचे परफॉर्मेंस किया, नीचे पपेट्स भी मैंने दिखाया. ओ माय गॉड, चलो इसका बताइए कहाँ से खुलेगा. चलिए नट एंड बोल्ट आपके सामने है जी, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे इसके ऊपर. मेरा ऐसा मानना है किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान से करें, मन लगा के करें, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो सके. जी तो चलिए अब इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट. तुम्हारे दिमाग में फिट होएगा. That's amazing, insane, this is insane. That's awesome. Thank you. सही बात है. ये आपके सामने मेरे पास एक कॉइन है. आत्मा मत, प्लीज आत्मा मत बुलाना. प्लीज रिपीट. ओह शिट यार, आई मिस्ड इट. हम अपने आप में मैजिक होने वाला है. यू आर अ स्टार स्टॉपर. सही बात है. मैं 500 का नोट दे रही हूँ अभी. 2000 का नहीं मेरे पास. मैं 2000 का, मेरे पास है 2000 का. देऊ अगर 4 करके दो तो देती हूँ. ठीक है ठीक है, बस हो जाएगा यहाँ, गायब ना हो जाना बस. ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके सामने. ये ओके, 1 and 2. ओके, मतलब मजा आ गया सही में. हम लोग सुबह से सोच रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग करे और उन्होंने हमारा बोर हो रहे थे, हम केवल बैग पिचिंग कर रहे थे तब से. अभी आपने मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल देखा. हाँ जी, अब आप देखेंगे. बताओ कैसा है? अब
अभी तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। हाँ मैं टेस्ट करके बता दी कैसे। बिल्कुल। ओके तो सबका चीज डम्पलिंग अच्छे लाइट है, वेरी सॉफ्ट, थ्रू नॉनवेज पसंद करते हैं उनके लिए नाइस। कल का ज्यादा टेस्टी था, ज्यादा अरे कल वाला ही तो नहीं है ये, कभी आज टेस्ट नहीं नहीं कल का टेस्ट फ्रेशनेस से अंदर जूसी था वो, ये ड्राई है ना कल, मतलब ये कल वाला ही है। नॉर्मल वाला ज्यादा टेस्टी होता है भैया, बटर लगाते हैं हम लोग। तो आप इस खाने को क्या देंगी 5 में से? 3 3 3 बस पास ही हुआ है पासिंग मार्क्स लेके। किसी ने कीश टेस्ट किया? कीश टेस्ट किया क्या? हाउ इज दैट? बढ़िया बढ़िया। अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर्स, एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि थोड़ा ड्राई होगा, अपने बारे में दिखाओ, उसके लुक से लग रहा था कि थोड़ा ड्राई होगा, बट इट्स वेरी बैलेंस लग रहा है। दो ग्लास बहुत अच्छा है ये, सुबह से चाय कॉफी के बाद कुछ खाए थे, कल से 6 to 7 कप कॉफी पी रही, मैं महीने दो महीने पे पीती हूँ कॉफी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 2 दिन मेरा इतनी एडिक्टेड हो गई हूँ कॉफी की, मैं हर 1 घंटे का सेशन के बाद कॉफी कॉफी कॉफी, मुझे लग रहा है नहीं कंट्रोल करना चाहिए। जी आपने ऐसा बोल दी ना, ये कल का है, अब मेरे से जा नहीं रहा है। नहीं कल का नहीं होगा भाई, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ ही, कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूबर्स के साथ। पिछली बार तो बहुत खराब खाना था, किसी ने वीडियो डाला था, अब बना के नहीं बना था, बहुत बिगाड़ था। कल का तो दिन का तो नहीं खाया था क्योंकि हम लोग 2:30 बजे से खाई, इस वजह से झूठ सही है, कन्वर्टेड हो गई, झूठ सही है। पार्टनर मैनेजर बाय बाय, किडिंग यू गाइस, भैया जूस और चाहिए। और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें ग्रीन स्क्रीन शूटिंग नहीं आई है, तो हम एडिटिंग वाली वर्कशॉप, एक्चुअली वो और डिले हो गई थी, तो अगर मैं वो अटेंड करती तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ से फ्री होती। इस वजह से हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे वहाँ पे जो एरिया था जहाँ हम लोगों ने बुकिंग नहीं कराई थी, हम थोड़ा देर वहाँ घूमे, डेली फ्ली मार्केट करके कुछ एरिया बनाया हुआ था उन्होंने, वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन सेटअप रखा हुआ था, कैमराज रखे हुए थे, लाइट्स थी उनके पास में उस तरह की, और वहाँ पे वो स्लॉट बुक कराना था, वो हमें पहले मेल पे कराना था और हम वहाँ पे शूट कर सकते थे। बट हम लोगों ने वहाँ थोड़ी थोड़ी शूटिंग करी, सौम्या सोनिया हम सब लोगों ने बहुत मस्ती करी वहाँ पे, थोड़ी सी क्लिपिंग में डाल रही हूँ। आजकल विंटेज का थोड़ा फैशन है ये,
मेरी भी है येलो फोटो, येलो कार के साथ उधर मूथल तक तो हर मौसम में खड़ी हुई है। देवेश तुम इस फोटो को मतलब क्यों खिंचवा रहे हो ये बताओ? ये मैचिंग हो रहा है ना उसके ड्रेस से इसलिए। जवाब देने दो, बोलेंगे अच्छी नहीं आई। सो ये था हमारा पूरा दिन, बहुत ही मस्ती थी, बहुत सारी लर्निंग थी, एक दूसरे से बात करके भी, एक दूसरे के एक्सपीरियंस जान के भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। ऑल ओवर दिस इवेंट वॉज रियली गुड एंड थैंक यू यूट्यूब की उन्होंने इतना सोचा भी। पता है जब आप वहाँ जाते हो ना तो यू फील सो सब्सटैंशियल। ऐसे तो हम लोग अपने घरों में बैठ के वीडियोज बना रहे होते हैं और जब आप वहाँ जाते हो यू फील आंसरेबल, यू फील रिस्पॉन्सिबल। मतलब मुझे भी लगता है कि कॉन्टेंट एकदम ऐसा होना चाहिए कि नो क्वेश्चंस। और जब हमें सिखाना चाहते हैं कि एडिटिंग इतनी अच्छी हो तो हमें भी अपना सब सब चीज़, मतलब आई गिव माई 100% टू माई वीडियोज़। और आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। और इसी के साथ मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बहुत सारे व्लॉग्स हैं यार शूट करके रखे हुए हैं, बस थोड़ा सा टाइम ऐसे ही चल रहा है और जल्दी से मैनेज करके मैं आप लोगों को सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हमारी डे टू डे लाइफ। बाय बाय।